जय श्री राम। मैं उम्बुज तिवारी। आज हम JEE एडवांस्ड 2019 का 2019 पेपर वन में फिजिक्स पार्ट का क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, अ थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग सेल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज वी नॉट। अ होल विथ स्मॉल एरिया अल्फा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अल्फा इज मोर लेस देन वन, इज मेड ऑन द सेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर वन है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल टू दैट ऑफ अ पॉइंट एट R/2 फ्रॉम द सेंटर टूअर्ड्स द होल विल बी 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 अल्फा। ऑप्शन बी है, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड बाई 2 अल्फा V0। ऑप्शन नंबर थ्री है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड बाई α V0/2R। ऑप्शन फोर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू होल एंड सेल सेंटर ऑन अ डिस्टेंस 2R फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल विल बी रिड्यूस्ड बाय α V0/2R। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक इंसुलेटिंग स्फेयर है और जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके ऊपर एक स्मॉल एरिया जिसका अल्फा इंटू 4 पाई को वो होल बनाया जाता है। तो जितना होल बनाया जाएगा उतना पार्ट बाहर कर लिया जाता है। तो अब हमें जो है इस कंडीशन पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जिसमें एक एक ऑप्शन को हम चेक करेंगे और एक एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर हमें मिलेगा। अब सबसे पहले हम इस पे जो एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम सुपर पोजिशन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसके द्वारा इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो अभी है क्या कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रेक डाउन इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द चार्ज बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल ब्रोकन पार्ट एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चार्ज बॉडी हो और अगर वो बहुत सारे पार्ट में टूट जाता है तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए तो हम जितनी वैल्यू उस पूरे होल बॉडी अनब्रोकन बॉडी जो होगा उस अनब्रोकन बॉडी लेकर के जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक पॉइंट पे होगा उतना ही अगर हम जितने ब्रोकन पॉइंट है टूटे हुए पार्ट से पार्ट टूटे हुए पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पे निकाल करके सम कर देंगे तो अनब्रोकन पार्ट के बराबर हो जाता है। जैसे देखिए हमारे पास ये एक चार्ज स्फीयर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस पे है, टोटल चार्ज क्यों है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ये जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है सपोज करो किसी एक पॉइंट पे और ये जो है टूट जाता है दो पार्ट में, ये कि ये देखो ये इतना पार्ट यहाँ से इस पार्ट को टूट जाता है, इस पार्ट को रिमूव कर लिया जाता है। तो ये हमारा एक ये पार्ट बना, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना पार्ट बाहर निकाल लिया जाता है। तो एक पार्ट ये हो और दूसरा पार्ट ये है, दूसरा पार्ट यहाँ से जो निकाल कर यहाँ लाता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पॉइंट सपोज करो ये हो गया E2, तो अब किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाए पहले होल बॉडी से, तो होल बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द दिस पार्ट E1 प्लस E2। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमूव पार्ट रिमूव बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उस एक पॉइंट पे प्लस रिमेनिंग बॉडी जो बचेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2।
तो इससे सुपर पोजिशन थ्योरी है कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी हो अगर टूट जाता है बहुत सारे पार्ट में, तो इस पूरे बॉडी को लेकर के किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, वो जो टूटे हुए पार्ट हैं उस अलग अलग पार्ट को लेकर के अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए उसी उतने दिए हुए पॉइंट पे, उसके बाद सम कर दीजिए तो जो आंसर आता है, तो जो आंसर आ जाएगा वो अनब्रोकन बॉडी जो है उसके बराबर होगा। अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि चार्ज स्फेरिकल शेष है, इस पे जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म है, क्यू चार्ज सेंटर सी है और यहाँ पे आर डिस्टेंस का रेडियस है, और पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस है सरफेस से, पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी की वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन हो जाएगा क्यू अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब सपोज करिए कि दो पार्ट में टूट जाता है, इसमें से इस पूरे पार्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो ई पी डैश आ जाता है, यहाँ से आर डिस्टेंस है, इसके बाद सरफेस से एक्स डिस्टेंस, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सपोज करो ई डैश बेस पी आ रहा है, और ये जो रिमूव्ड पार्ट है उससे एक्स डिस्टेंस पे, मतलब पॉइंट पी का डिस्टेंस सरफेस से एक्स है, एक्स डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है ई डबल डैश बेस पी, तो इसकी वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन dQ/x2। तो सुपर पोजिशन थियरी अप्लाई करोगे तो ये पॉइंट पी पे इस पॉइंट पे से इस रिमूव्ड पार्ट का जो इलेक्ट्रिक, तो जो रिमूव्ड पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा वो होगा ई पी डबल डैश प्लस ये जो रिमेनिंग पार्ट है पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी डैश प्लस ई डबल डैश बेस पी इक्वल टू ई पी आ जाएगा। तो इसी से हम प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं इन केस ऑफ कैविटी अगर हो या होल बनाया जाता है, तो इसी सुपर पोजिशन थियरी से प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि अब हमें अगर लेट कैपिटल आर भी दे रेडियस ऑफ स्फेरिकल से रहे, तो ये जो है पूरा इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है वो जो सरफेस पे है और इनसाइड में चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे 0 होगा, यहाँ पे भी पॉइंट बी पे 0 होगा, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, मतलब पोटेंशियल सरफेस पे इक्वल होता है। तब पोटेंशियल एट द सरफेस वी सी क्या होगा, पोटेंशियल एट द सरफेस, जो सरफेस पे पोटेंशियल वी नॉट है वही सेंटर पे होगा और वही पोटेंशियल पॉइंट बी पे होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, स्फेरिकल शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं, तो गॉस थ्योरी यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही सेंटर पे होगा, वही पॉइंट बी पे होगा। तो अब हम अगर वी नॉट की वैल्यू निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो हम आर का न्यूमरेटर मल्टीपल करके दें और आर का डिनोमिनेटर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू आर अपॉन आर इंटू आर, तो ये हो गया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r² या इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई r² आर अपॉन एप्सिलॉन। अब जो है ये हो गया क्यू अपॉन 4 पाई r² इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन 4 r सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन होता है, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा का वैल्यू होता है टोटल चार्ज डिवाइड टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r² हो गया। अब जो है पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर्स ऑफ स्फेरिकल से, तो r/2 डिस्टेंस भी स्फेयर के इनसाइड अंदर ही होगा, तो जितना सरफेस पर वही 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 जो है पोटेंशियल r/2 डिस्टेंस पे सेंटर से होगा। तो v बेस b अगर पॉइंट b पे पोटेंशियल v भी है तो उसकी वैल्यू v नॉट हो गया, क्योंकि पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल होता है, पोटेंशियल एट द सर जो सरफेस पर वही उसके स्फेरिकल सेल के अंदर भी पोटेंशियल होता है। अब
अगर हम व्हेन द होल इज मेड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फेरिकल सेल, जब चार्ज स्फेरिकल सेल पे होल बना दिया जाता है, तो देखो ये होल बनाओगे तो ये इतना पार्ट हम निकाल लेंगे बाहर, तो इतना पार्ट उस पे पार्ट पे अगर डी क्यू चार्ज है तो डी क्यू वैल्यू क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया होगा, 4π α स्क्वायर दिया है। तो अगर इस पार्ट से ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्फीयर है विद द होल होल के साथ, तो ये अगर पोटेंशियल V1 हो और इसके कारण पोटेंशियल V2 एट अ गिवन डिस्टेंस पे हो, तो हम सुपरपोजिशन थ्योरी यूज करके निकाल लेंगे। लेट डी क्यू इज़ द चार्ज ऑन द स्मॉल सरफेस एरिया एट विच होल इज मेड, मतलब जिस पे होल बनाया गया था उतना सरफेस एरिया डी क्यू है जिसको बाहर निकाल लिया जाता है। अब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होता है, इसलिए सिग्मा का वैल्यू होगा चार्ज ऑन स्मॉल पार्ट डी क्यू अपॉन सरफेस एरिया 4π α² सो डी क्यू वैल्यू क्या होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू 4π α² हो गया। अब लेट V1 इज पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल सेल विद द होल ऑन इट सरफेस, जब उसके सरफेस होल बना दिया जाता है तो सेंटर पे पोटेंशियल हमने V1 सपोज किया, और लेट V2 इज पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू द रिमूव्ड पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ चार्ज डी क्यू, मतलब जिस पार्ट को रिमूव किया गया होल बनाने के लिए उस पे चार्ज डी क्यू है, तो उस चार्ज से सेंटर पे जो पोटेंशियल आता है उसकी वैल्यू V2 है, तो सेंटर से V2 की वैल्यू क्या होगा, सपोज करो कि हमने ये चार्ज डी क्यू सरफेस एरिया जिसपे चार्ज बाहर निकाल के होल बनाया, तो यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस आर होगा, तो आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगा वो होगा V2 डी क्यू वैल्यू 4π α² सिग्मा है, तो V2 इक्वल टू 1/4π ε डी क्यू अपन आर आ जाता है। अब हम अकॉर्डिंग सुपर पोजिशन थियरम अप्लाई करेंगे, तो V1 प्लस V2 इक्वल टू V0 होगा, मतलब होल बॉडी से होल बॉडी का जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, वो पोटेंशियल सम ऑफ द टू पार्ट्स का पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा उसके बराबर होगा, तो V1 प्लस V2 इक्वल टू V0 हो गया। सो V1 क्या होगा, V0 माइनस V2, तो V0 माइनस 1/4π ε0 डी क्यू अपन आर इक्वल टू V0 माइनस 1/4π डी क्यू की वैल्यू रखेंगे 4π α² σ/r, तो इक्वल टू हो गया V0 माइनस अल्फा सिग्मा आर अपान एप्सिलॉन, और V0 की वैल्यू क्या है, सिग्मा आर अपान एप्सिलॉन 0, सो V1 की वैल्यू क्या होगा, V0 माइनस अल्फा V0, आर V1 इक्वल टू V0 कॉमन लोग 1 माइनस अल्फा हो जाता है। अब दूसरा केस क्या है, अगर हम सपोज करें लेट V1 इज द पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से टूअर्ड द होल की तरफ है, एंड V2 इज़ द पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द रिमूव पार्ट से है, डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द रिमूव्ड पार्ट ऑफ द सरफेस, जिस जहाँ से सरफेस चार्ज एरिया डी क्यू हटाया गया था, सरफेस ऑफ द चार्ज डी क्यू वेयर होल इज मेड ऑन द स्फेरिकल चार्ज सरफेस, जिस पॉइंट पे होल बनाया गया था उसके लिए डी क्यू से r/2 डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, दोनों का सम V1 प्लस V2 V0 होना चाहिए सुपर पोजिशन थियरी से। अब क्या करोगे, हम सबसे पहले सपोज करो कि सेंटर यहाँ से r/2 डिस्टेंस है बी पॉइंट पे, तो r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल V1 है, और ये जो है जो रिमूव पार्ट है डी क्यू, तो उससे r/2 डिस्टेंस बी पॉइंट पोटेंशियल V2 है, तो अभी V2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4π ε0 डी क्यू अपन r/2 हो गया, तो ये वैल्यू आया 1/4π ε2 4π α² σ/r हो गया, डी क्यू की वैल्यू पुटअप करेंगे तो V2 की वैल्यू 2α σ/r/ε हुआ, लेकिन अपने को हमें पता है V0 इक्वल टू σ r/ε होता है, तो V2 हो गया 2α V0 आ जाता है। अब जो है V1 प्लस V2 की वैल्यू V0 होगा, तो V1 हो गया V0 माइनस V2 इक्वल टू V0 माइनस 2α V0, V0 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 2α, सो V1 अपॉन V1 की वैल्यू क्या होगा, V0 1 माइनस α/V0 1 माइनस 2α, तो इक्वल टू हो गया E1 माइनस α1 अपॉन इक्वल टू हो गया V1 अपॉन V1 इक्वल टू V0 1 माइनस α1 V0 1 माइनस 2α, तो 1 माइनस α - 1 माइनस 2α आ जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 करेक्ट हुआ।
ऑप्शन टू चेक करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ होल चार्ज स्फेरिकल सेल क्या होगा, जीरो होगा। जब टोटल बॉडी था तो जीरो है, तो मतलब नो चार्ज है, सेंटर पे चार्ज ही नहीं था। अब लेट ई वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द स्फेरिकल सेल विथ होल, होल के साथ जो था उस पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन है। और उसके बाद ई टू क्या है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमूव पार्ट एट द सेंटर, देन तो क्या होगा, ई वन प्लस ई टू की वैल्यू जीरो हो जाएगा, आर ई वन इक्वल टू माइनस ई टू हो जाएगा। अब हम देखते हैं, देखो इसमें क्या होता है, अगर सेंटर पे निकालना है तो ये पूरा सपोज करो कि दो पार्ट जो रिमूव पार्ट है, तो पहले ये पार्ट सपोज करो नहीं था, ये पार्ट हटा दीजिए, इतना पार्ट है ही नहीं, तो ये पार्ट नहीं रहेगा, तो डी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन सी की तरफ टूअर्स द सेंटर होगा, ई टू हो गया। फिर इसके बाद क्या करोगे, सपोज करो कि ये पूरा पार्ट नहीं है, तो ये रिमेनिंग पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सपोज करो सेंटर पे ई वन है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन, क्योंकि देखो इस साइड में इधर चार्ज कम है इधर कम है, तो रिजल्टेंट चार्ज का डायरेक्शन इस साइड में होगा, तो ई वन हो गया। सो क्या होगा, तो रिजल्टेंट क्या, ई वन माइनस ई टू इक्वल टू जीरो, आर ई वन इक्वल टू ई टू हो गया। तो आप वैल्यू पुट अप रखेंगे, ई टू इक्वल टू क्या होगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन डी क्यू अपान आर स्क्वायर, दैट इज़ वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन फोर पाई अल्फा आर स्क्वायर सिग्मा अपान आर स्क्वायर। तो हो गया अल्फा आर आर से कैंसिल हो गया, अल्फा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या वैल्यू हो गया अल्फा वी नॉट अपॉन आर। तो जो ई वन की वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल विद द होल, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू होगा अल्फा वी नॉट अपॉन आर होगा। और पहले क्या था, होल बॉडी पे जीरो था, तो कितना कम हुआ, जीरो से ये हो गया जी, तो रिड्यूस कितना हुआ, माइनस अल्फा वी नॉट अपॉन आर हो गया। तो देखिए ऑप्शन जो ये नंबर वन है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल टू दैट ऑफ पॉइंट आर बाई टू फ्रॉम सेंटर टूअर्स द होल, ये विल बी वन माइनस अल्फा पॉइंट वन माइनस टू अल्फा, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल रिड्यूस बाई टू अल्फा वी नॉट, तो पहले जो पोटेंशियल, अब दूसरा देख लेते हैं, तीसरा तो क्या था, पहले सेंटर पे पोटेंशियल कितना था, अगर होल बॉडी है तो ये होल बॉडी था पूरा, इस पे चार्ज पूरा था कंप्लीट चार्ज टोटल चार्ज डेल्टा प्लस क्यू है, तो यहाँ सेंटर पे जो पोटेंशियल था वो वी नॉट था, पोटेंशियल एट एट सेंटर वी नॉट है। अब जो है जब सेल बनाया जाता है, इस पे होल बनाया जाता है, होल जब बनाओगे तो ये इस टाइप का हो जाता है, होल बन गया, यहाँ पे होल है। अब क्या है, इस पे जो पोटेंशियल आता है सेंटर पे, सेंटर सी पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाता है, वी वन हमने सेलेक्ट किया था, वी वन क्या हो जाएगा, वी नॉट वन माइनस अल्फा आ जाता है। तो ये वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट अल्फा, तो रिड्यूस कितना हुआ, पोटेंशियल रिड्यूस इन द पोटेंशियल अल्फा, सो रिड्यूस इन द पोटेंशियल कितना आएगा, इन पोटेंशियल अपना वी नॉट अल्फा आ गया, लेकिन उसमें टू वी नॉट अल्फा, इसलिए ऑप्शन नंबर टू इनकरेक्ट है। ये हमने ऑप्शन नंबर टू को चेक किया, ऑप्शन नंबर टू। अब ऑप्शन नंबर थ्री को चेक करेंगे, अब ऑप्शन थ्री चेक करेंगे कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ रहा है। तो सेंटर पे ये जो सेल वाला पार्ट था विद द होल है, तो इस कंडीशन पे जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वैल्यू ई क्या है अपना, हमारा मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो ई वन क्या आ रहा है, अल्फा आ गया, वी नॉट अल्फा वी नॉट अपन आर हुआ। और इनिशियली कैप कितना था, तो जीरो था, इनिशियली जीरो था, जब पूरा बॉडी था तो सेंटर पे क्या था, पर होल बॉडी, लेकिन अब सेल पे जीरो हो गया। और इनिशियली कितना था, जब पूरा बॉडी था होल बॉडी के लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, वो जीरो था,
तो अभी ऑप्शन नंबर थ्री भी इनकरेक्ट है। अब हम ऑप्शन नंबर फोर देखेंगे। ऑप्शन वन करेक्ट था, टू रॉन्ग है, थ्री रॉन्ग है। फोर्थ को चेक करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड सेल सेंटर ऑन अ डिस्टेंस टू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल्स है विल बी रिड्यूस बाय अल्फा वी नॉट अपॉन टू आर बता रहा है, तो हमें इसको चेक करना है। अब इसमें क्या होता है, जब होल बॉडी था तो टोटल चार्ज हमारा है प्लस क्यू कैपिटल क्यू, यहाँ से एक सेंटर से लाइन पास हो रहा है पॉइंट पी पे है, फाइंड करना है। ये पूरा आर है और ये भी डिस्टेंस आर ही है, तो आर डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, ई इक्वल टू हो जाएगा पॉइंट पी पे वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन टोटल चार्ज क्यू अपान आर स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो गया अपना क्यू अपान फोर पाई आर स्क्वायर इंटू वन अपान एप्सिलॉन, तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपान एप्सिलॉन हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द पॉइंट पी पे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी आ गया पहले। अब अगर ब्रोकन पार्ट है तो ये ब्रोकन पार्ट सेल जब बनेगा तो इस पे होल बन जाएगा, ये होल वाला स्ट्रक्चर, इस पे टोटल चार्ज है। तो यहाँ से अगर हम सपोज करो डिस्टेंस अपना ये आर है और यहाँ से भी आर है पॉइंट पी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सपोज कर लीजिए कि ई वन है, ई वन है और जो ब्रोकन पार्ट था टूटा हुआ पार्ट ये जो हमने निकाला होल बनाने के लिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से इस पॉइंट पे इसी पॉइंट पे है, यहाँ से डिस्टेंस उसका पॉइंट का आर होगा क्योंकि ये सरफेस से है, तो यहाँ पॉइंट पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, अगर सपोज करो कि ई टू है तो या ई वन डैश ई टू हमने मान लिया सपोज करो, तो ये हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन डी क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। डी क्यू की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन फोर पाई अल्फा आर स्क्वायर सिग्मा सरफेस डेंसिटी अपान आर स्क्वायर, तो ये सब कैंसिल हो गए, फोर पाई से अल्फा ये हो गया सिग्मा, या आंसर आ गया अल्फा सिग्मा अल्फा सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो आ गया। अब देखिए जो हमारा सिग्मा वी नॉट की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन सिग्मा इंटू आर अपान एप्सिलॉन, तो सो सिग्मा अपान एप्सिलॉन की वैल्यू क्या, वी नॉट अपान आर, तो ई पी की वैल्यू क्या होगा, अब इस सुपर पोजिशन थियरम से ई वन प्लस ई टू इक्वल टू ई पी आएगा, तो हो गया सो ई वन की वैल्यू आर डिस्टेंस पे ई पी माइनस ई टू हो गया। ई पी की वैल्यू कितना है, वी नॉट अपॉन आर, और ये कितना है ई टू कितना है, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा अल्फ़ा वी नॉट, तो ये हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन आर वैल्यू होता है अल्फ़ा वी नॉट अपान आर, तो ये रिड्यूस कितना हुआ अल्फ़ा वी नॉट अपान आर, तो रिड्यूस पहले कितना था वी नॉट अपान आर, अभी रिड्यूस कितना हुआ माइनस अल्फ़ा वी नॉट अपान आर रिड्यूस हो गया, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है अल्फ़ा वी नॉट अपान टू आर, इसलिए ऑप्शन फोर भी करेक्ट, ऑप्शन फोर इनकरेक्ट है। तो इस प्रॉब्लम में ऑप्शन वन करेक्ट है, टू थ्री फोर इनकरेक्ट है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।